Good afternoon, all of you. Can you hear me? Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good हमने सेकेंड यूनिट स्टार्ट किए थे ना आई थिंक यस सर विजिबल हो रहा है आप लोगों को शेयर करें क्या हेलो मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों को यस सर गुड आफ्टरनून सर गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून यस सर आ रही है बात चलिए हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे थे यानी नंबर सिस्टम ठीक है तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम है हमारा वो चार नंबर सिस्टम हम लोग यहाँ पर कंसिडर करते हैं और वो चार नंबर सिस्टम हमारा क्या क्या होगा बाइनरी डेसिमल ऑक्टल और हेक्साडेसिमल ठीक है तो ये चार जो रिप्रेजेंटेशन है हमारा इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे व्हाइट बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को यस सर नंबर सिस्टम हमारा क्या क्या है
डेसिमल नंबर सिस्टम, बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल, ऑक्टल नंबर सिस्टम और हेक्साडेसिमल। तो ये हमारा कुछ नंबर सिस्टम हुआ जिसको हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। और इस नंबर सिस्टम में जैसे डेसिमल, डेसिमल का मतलब हो गया 10, 10, तो जो आपका बेस होगा डेसिमल नंबर सिस्टम का वो बेस आपका 10 होगा, ठीक है। और डिजिट्स जो होंगे वो डिजिट्स क्या होंगे, तो 0 to 9। तो ये आपका टोटल। सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख रहा है, व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं हो रहा है? नो सर। जैम बोर्ड है आपके पास? सर ये तो ब्लॉक का ही वो पेज आ रहा है। क्या क्या? सर ब्लॉक का जो बुक का है ना वही बस आ रहा है और व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा। व्हाइट बोर्ड कितने लोगों को नहीं दिख रहा है? सर आप अभी व्हाइट बोर्ड खोले या फिर ब्लॉक खोले हुए? हेलो सर आप ब्लॉक खोले हुए या व्हाइट बोर्ड? व्हाइट बोर्ड है सर, व्हाइट बोर्ड है सर। क्या क्या? यहाँ पर भी तो व्हाइट बोर्ड है। हाँ हाँ गूगल वाला ही व्हाइट बोर्ड में बात कर रहा हूँ। व्हाइट बोर्ड दिख नहीं रहा ना? यस सर दिख नहीं रहा। जैम बोर्ड डाउनलोड करना पड़ेगा सर। दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है। हाँ जैम बोर्ड जी सर, जो सब डाउनलोड नहीं किया उन लोगों को नहीं दिख रहा है। जैम बोर्ड आप पिछली क्लास भी मैं बोल रहा था कि आप डाल लो। ठीक है। और बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस आपका 2 हो जाएगा और डिजिट्स हमारा क्या क्या होगा, 0 and 1। ठीक है, ये आपका हो गया बाइनरी नंबर सिस्टम का। ऑक्टल हो गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम नाम ही ऑक्टल, तो बेस जो है वो बेस आपका 8 हो गया। ठीक है, और डिजिट्स जो है वो डिजिट्स क्या क्या है, तो डिजिट्स हमारा 0 to 7 है। ठीक है, तो ये आपका ऑक्टल का हो गया और हेक्साडेसिमल का आपका हो जाएगा बेस 16। ठीक है, बेस हो गया 16 और डिजिट्स जो होंगे इसमें, ठीक है, मैं नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं डिजिट्स की बात कर रहा हूँ। तो डिजिट्स जो होंगे वो डेसिमल के सारे नंबर डिजिट्स यानी 0 to 9 और इसके स्पेसिफिक नंबर हैं A to E, दैट मीन्स A, B, C, D और E। ठीक है, तो 0 to 9 टोटल 10 हो गए और A to E 6 हो गए, टोटल हमारा डिजिट्स कितना हो गया, 16 हो गया। A is equivalent to 10, B is equivalent to 11 and henceforth E is equivalent to 15। ठीक है, तो ये चार नंबर सिस्टम है और चार नंबर सिस्टम में मोस्टली आपको यूज क्या आएगा इसमें, तो कन्वर्जन का आएगा। ठीक है, जहाँ कहीं भी आप वर्क करोगे, चाहे आप आगे हम लोग देखेंगे फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन हो या फिर हमारा कोई भी तरह का वर्क हो, तो उसमें आप क्या देखोगे कि डेसिमल नंबर सिस्टम को हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं या फिर किसी और दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कन्वर्जन देख लेते हैं कि एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। शॉर्ट में मैं बता दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पर मैं डेसिमल टू बाइनरी करता हूँ। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी यानी डेसिमल नंबर दिया होगा हमारा कोई भी, ठीक है, और उसको हम लोग क्या करेंगे, बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। तो एक एग्जांपल के लिए कोई भी डेसिमल नंबर हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो 42 ले लिया। ठीक है, नंबर 42। ठीक है, और आपको मैंने लास्ट क्लास भी बताया था कि आप क्या करो, एक सीरीज याद रख लो, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड सो ऑन। इस तरह से आप क्या करो,
एक सीरीज याद रख लो, ये नंबर आएगा क्या? हेलो हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है।
अच्छा अच्छा ठीक है, देखे तो अभी आया ठीक। हाँ हो सकता है, हो सकता है। जेम बोर्ड वाला स्क्रीन सेट नहीं हो रहा है। हेलो यस सर। हेलो क्या मेरी आवाज आ रही है अभी? यस सर। यस सर आ रही है। मैं बताया जा रहा था, मुझे मालूम नहीं चला कि मैं डिस्कनेक्ट हो गया। अच्छा जो एग्जांपल मैंने अभी डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्जन कर दिया था, क्या आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? सर नहीं देखा, बाद में आ रही है। चलो मैं फिर से बता रहा हूँ ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर देखो क्या है कि एक नंबर हमने लिया 53.45 ठीक है, और ये नंबर हमारा डेसिमल में, इसको करना क्या है तो बाइनरी में कन्वर्ट कर देना ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यानी जिस नंबर में हमारा क्या हो डेसिमल पॉइंट हो ठीक है, मतलब इंटीजर पार्ट भी हो और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? सर एक बार जैम बोर्ड का फिर से लिंक भेज दीजिए ना। जैम बोर्ड का लिंक मैं फिर से भेज दूं? यस सर। शेयर में कर रहा हूं। अभी विजिबल हो रहा है? यस सर। चलो ठीक है। यस सर आ गया। चलो तो एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज करो कि एक नंबर है हमारा 53. सपोज करो 45 ठीक है, 53.45 है, और ये एज्यूम हमने करा कि ये हमारा किसमें है डेसिमल नंबर सिस्टम में ठीक है, और हम लोग इसको चाहते हैं कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें ठीक है। तो क्या करना है कि अगर इस तरह का नंबर हो और मुझे बाइनरी में कन्वर्ट करना हो, तो आप सबसे पहले ऐसा करो कि इंटीजर वाले पार्ट यानी डेसिमल पॉइंट जो है, डेसिमल पॉइंट से जो लेफ्ट है दैट इज इंटीजर पार्ट ठीक है, और इसके राइट में जो है वो हमारा क्या हो गया फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। हाँ तो हम लोग क्या करते हैं इंटीजर पार्ट वाले को, यानी एक यूनिवर्सल फॉर्मूला मैं आपको कह सकता हूँ, बता देता हूँ जो आप याद रखेंगे, क्या है कि डेसिमल नंबर सिस्टम से, ध्यान से सुनेंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम से मुझे क्या करना है किसी भी दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है राइट। आइदर डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करना चाह रहे हो, या फिर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। हम डेसिमल से जिस किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे हम क्या करेंगे, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे उसके बेस से डिवाइड करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हियर वी विल हैव टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, सो वी विल डिवाइड बाय द बेस ऑफ द बाइनरी नंबर सिस्टम दैट इज 2 ठीक है। तो यहां पर 53 है इंटीजर वाला पार्ट, तो 53 को हमने क्या करा 2 से डिवाइड किया, कितनी बार में लगेगा 26 यानी जो कोसेंट होगा इंटीजर कोसेंट ठीक है, उसको हम लोग नीचे लिख देंगे, और जो रिमाइंडर आएगा ठीक है रिमाइंडर को हम लोग राइट साइड में ऐसा लिखते चले जाएंगे। फिर 26 है फिर 2 से डिवाइड करो कितनी बार में लगेगा, तो कोसेंट 13 और रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा। फिर से 13 को 2 से डिवाइड करो 6 टाइम्स में लगेगा और रिमाइंडर हमारा क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा ठीक है। फिर 6 को 2 से डिवाइड करो 3 टाइम्स में और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया 0 आ गया। फिर 3 को डिवाइड करो 2 से 1 टाइम्स में लगेगा और रिमाइंडर भी हमारा क्या मिलेगा
वन मिलेगा, ठीक है। अब जब इस तरह से नंबर वन में टू से डिवाइड आगे नहीं हो सकता है, तब हम क्या करेंगे, बॉटम टू टॉप नंबर्स को अरेंज कर लेंगे, ठीक है। तो बॉटम से अरेंज करना शुरू करेंगे, दैट मीन्स यहां से, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, वन फिर वन फिर जीरो वन जीरो वन, यहां तक किसी को कोई परेशानी, ठीक है। अब फ्रैक्शनल पार्ट जो हमारा है, ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट को करना क्या है कि सीधा जब डेसिमल से हम किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो फ्रैक्शनल पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, तो जिस नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके बेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल से बाइनरी में हम कन्वर्ट कर रहे हैं, तो बाइनरी के बेस से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जस्ट यहाँ पर देखो हमारा नंबर क्या है, 0.45, राइट, और वी विल मल्टीप्लाई इट बाय 2, राइट, देन व्हाट वी विल गेट, तो 0.90 एंड और वी कैन राइट इट एज 0.90। सो यहाँ पर जो हमको इंटीजर पार्ट मिला वो क्या मिला, 0 मिला, तो उसको हमने लेफ्ट साइड लिख दिया, ठीक है। और फिर से जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 0.90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, 1.80, राइट। तो 1 हमारा क्या है, इंटीजर वाला पार्ट है, तो उसको अलग लिख दिया, ठीक है। और फिर जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको 2 से डिवाइड कर दिया, और इस तरह से हम क्या करेंगे, 2-3-4 डिजिट तक मल्टीप्लाई करके जो नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ पर फिर से मुझे क्या मिलेगा, तो 1.60। अब यहाँ पर जो अरेंजमेंट करना है वो अरेंजमेंट हमको टॉप टू बॉटम करना है, ठीक है। जो फ्रैक्शनल वाले पार्ट में हमको अरेंजमेंट करना है वो कैसे करना है, तो टॉप टू कहाँ तक मल्टीप्लाई करना है डेसिमल वाले। चलो मैं एक क्वेश्चन तुमसे बैक करता हूँ, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। जैसे एक नंबर मैं तुमको डेसिमल में दिया 7, ठीक है, और मैंने तुमको बोला कि भाई उसको 3 से तुम डिवाइड करो, ठीक है, और डेसिमल में नंबर तुम निकालते जाओ, तो कहाँ तक डिवाइड करते हो, मेरा क्वेश्चन समझ में आया या नहीं? क्या बोले सर? मैंने तुमको एक नंबर दिया 7, ठीक है, yes, sir. और मैं बोल रहा हूँ कि उस 7 को क्या करो, तुम 3 से डिवाइड करो, ठीक है, और डेसिमल में तुम नंबर लिखते जाओ, ठीक है, यस सर। 7 को मैंने क्या बोला, 3 से डिवाइड करो, yes, कितनी बार में लगेगा, 2.33 भाग नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ एक 0 डालेंगे, yes, sir. 3 डाले 9, sir. क्या आएगा 1, फिर इसी sir. तरह से 0 डालते जाओ, डिवाइड करते जाओ, ये तो सर रेकरिंग हो जाएगा, 3-3-3-3 आते जाएगा, हाँ, तो रेकरिंग होगा क्या, सारे केसेस में रेकरिंग ही होगा, नो no, सर नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं कि जब ऐसा नंबर मिल जाए जब वो कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं हो, डेसिमल पॉइंट के बाद हम लोग क्या करते हैं, 2 places, 3 places या मैक्सिमम 4 places तक डिवाइड करके डिवीजन छोड़ देते हैं, यस सर, क्लियर। तो उसी तरह से मुझे यहाँ पर भी क्या करना है कि 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे, ठीक है, और 2 से मल्टीप्लाई करते करते यदि मान लो कि 0 आ गया, 2 times मल्टीप्लाई किया, और जैसे यहाँ पर 60 आया ना, सपोज करो यहाँ पर 0 आ जाता तो हम यही छोड़ देते, ठीक, yes, और यदि 0 नहीं भी आया तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल प्लेस के 2 places और 3 places या मैक्सिमम 4 places तक हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये पूरा लगने वाला नहीं है, खत्म होने वाला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उतने ही डिजिट्स को यहाँ पर लिख देंगे। मेरी बात समझ में आया सबको या नहीं? Yes, sir. कोई दिक्कत इसमें? Yes. तो ये जो नंबर हमने यहाँ पर लिखा, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 53.45। किसी को कोई परेशानी इसको समझने में? नो सर। ठीक है, तो सेम वे में अब यदि मैं कहूं कि आपको करना कि मैं एक क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, आप लोग घर पे ट्राई करना, ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर किसी समय मुझे पूछ लेना, ठीक है, मैं यहां पर लिख दूंगा। कहां पे पूछेंगे सर? आप अगले क्लास पूछ लेना, ठीक है, या फिर शायद मैंने मेल दिया था लास्ट क्लास में आप लोगों को, तो मुझे मेल कर देना, मैं आपको वहां पर कुछ लिंक दे दूंगा, आप पढ़ लेना, ठीक है। तो आज भी लिंक दे दीजिएगा मेल का। मेल मैंने दिया था आप लोगों को, आई थिंक लास्ट क्लास।
सर लास्ट क्लास में एक बार और देना कट हो गया। मैं यहां मैं ईमेल आईडी अपना लिख ही दे रहा हूं। ठीक है, और तब तक मैं दो तीन क्वेश्चन दे दे रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग सॉल्व करने का प्रयास करना घर पे। इसमें कोई ऐसा टेक्निक नहीं है, एक बार में क्लीन हो जाए सारा। क्या सर? इसमें ऐसा कोई टेक्निक नहीं है जो एक बार में व्हाइट बोर्ड क्लीन हो जाए? जूम वगैरह में तो है अब करना क्या है तो मैं एक दो क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, ये चार क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई करना, खुद से ट्राई करना। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक यूज करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, डी टू सॉरी ऑक्टल पहले बना लेते हैं, डी टू या फिर इसका रिवर्स भी कर दूं, बाइनरी टू डेसिमल। सर हम लोग को क्यों दिख रहा है स्क्रीन से? हेलो, मैं इसका रिवर्स भी कर दे रहा हूँ, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, यानी अभी जस्ट प्रीवियसली हमने क्या किया, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट किया, और यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक नंबर ले लो बाइनरी में। स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, किसी को कोई परेशानी? नो सर। अरे नेक्स्ट बोर्ड करो, नेक्स्ट बोर्ड पे शो होएगा। नेक्स्ट बोर्ड शो नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। सर हो रहा है? हो नहीं रहा एक्चुअली, मेरे स्क्रीन पे एक्चुअली शो नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई मैंने बताया। वो नोटबुक है ना, सेकंड पे जाओ, सेकंड बोर्ड पे जाओ, उस पे शो होगा। ऊपर आपका दिखा रहा होगा 1 out of 5। ठीक है, आप वहां पर क्लिक करो, 2 में जाओ तो दिखेगा। ठीक है, चलो तो ये एक नंबर हमने बाइनरी में लिया। ठीक है, इसको करना क्या है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, यानी बी टू डी, दैट मींस बाइनरी टू डेसिमल। राइट, तो यहाँ पर क्या करो, आप फिर से इंटीजर पार्ट को अलग कर लो और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर लो। ठीक है, तो देखो इंटीजर पार्ट हमारा क्या है, 1 0 4 times 1 है, ठीक है, और 0 है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, तो जस्ट आप वही सीरीज याद रखो, 1 2 4 8 16 32 और 64। फिर देखो यहाँ पर 16 है, इसके पास 8 है, और फिर ये जहां पर 0 है तो आप इसको क्रॉस कर दो, मतलब इसको ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो मुझे ऐड किस किस को करना है, तो 64 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। ठीक है, ये ऐड करने के बाद मुझे कितना मिलेगा, 64 और 16 80 और 8 ठीक है, तो देखो ये 1 2 4 जो हमने ऐड किया, ये एक्चुअल में होता कैसे है, इसको मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये एक्चुअल में कैलकुलेट होता है इस तरीके से
कि ये जो वैल्यू है ये 2 to the power 0 है, ये 2 to the power 1 है, इसी तरह से हमारा क्या था 2 to the power 6 था, ठीक है, 2 to the power 1, 2 to the power 2 कौन मिटा दिया सारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या है कि कोई रेज कर रहा है मुझे लग रहा है, फिर नंबर में क्या लिया था मुझे याद नहीं है। सपोज करो कि फ्रैक्शनल वाले पार्ट को, फ्रैक्शनल वाला पार्ट हमारा सपोज करो क्या था 0 1 1 था सपोज करो। अब मुझे इसको कैसे लिखना है, तो इधर जो भी नंबर हो